સુરત શહેરના ભાટેના વિસ્તારમાં ભરબપોરે ખૂની ખેલ ખેલાયો હતો, જેમાં ત્રણ યુવકો પર ચપ્પુ વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી એક યુવકનું મોત નિપજ્યું હતું. યુવકને ગંભીર હાલતમાં સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો, જો કે ફરજ પરના તબીબે તેને મૃત જાહેર કર્યું હતું. મળતી માહિતી પ્રમાણે ભાટેના વિસ્તારમાં આવેલા પંચશીલ નગરમાં અલ્તાફ કોસર શેખ, જેની ઉંમર 21 વર્ષ હોય, તે પરિવાર સાથે રહેતો હતો. ગત રાત્રે જુગારને લઈને કેટલાક યુવકો સાથે બબાલ થઈ હતી, જેની અદાવતમાં અલ્તાફ અને તેના બે મિત્ર પર આજે બપોરે 12 વાગ્યાને આસપાસ ચપ્પુથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયેલા ત્રણેયને સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જો કે અલ્તાફને ફરજ પર હાજર તબીબે મૃત જાહેર કર્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં સલાબતપરા પોલીસ અને સીઆરપીએફના જવાનો સિવિલ દોડી ગયા હતા. હાલ પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે. અલ્તાફના ભાઈએ જણાવ્યું હતું કે ગત રાત્રે કેટલીક ઈસમો સાથે જુગાર બાબત અલ્તાફનો ઝઘડો થયો હતો. દરમિયાન આજે બપોરે સદ્દામ કાલુ ચાંદ ભૂરા આઝાદ રૂબો ચપ્પુ વડે હુમલો કર્યો હતો, જેમાં અલ્તાફને ઉપરા ઉપરી ચપ્પુના ઘા માર્યા હતા. અલ્તાફની સાથે તેના મિત્ર અકબાલ મોહમ્મદ હસન મોમિન અને જાફર શેખને પણ ઈજા પહોંચી છે, જ્યારે અલ્તાફને ગંભીર હાલતમાં સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જતા મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. वो मरने वाला अल्ताफ मेरा लड़का है, बराबर है, और इन्होंने 2 साल पहले कसम खाए थे कि बोले इसको अपन लाभ डालेंगे. हमारी उनकी तूतू मैमे हुई थी, झगड़ा हुआ था, एक बार मेरे बच्चों पे गुना भी दाखिल हुआ, उन पे भी हुआ, बराबर. ये कारण उन्होंने कसम खाए थे, बराबर, कि उसको मार डालेंगे, और उन्होंने उनकी मन्नत पूरी करे दरगाह पे जाके खाजा बाबा पे. मारने वाले कितने लोग? मारने वाले 6 जने एक घर के हैं, 2-3 जने गैर मुस्लिम है समाज के, उनका नाम मुझे मालूम नहीं, लड़के को घर भी मालूम है. आपने पुलिस फरियाद करी इसके? पुलिस फरियाद हम क्या करेंगे, हमको तो हाँ, मेरे को तो बाद में मालूम पड़ा, मेरा बच्चा था. पुलिस आई थी जगह पे? पुलिस आ गई थी. पुलिस ने बोले हम कार्रवाई करेंगे, बोले हमारे हिसाब से जो गुनहगार है उसको हम बख्शेंगे नहीं. पुलिस खाते ने ये बोला भाई. आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो गुनहगार है उसको सजा मिलना चाहिए. और मेरे बच्चे के दुश्मन होने के कारण मैंने हाथ जोड़ के मेरे बेटे को बोला, तेरे दुश्मन है बेटा, तू तेरे दोस्तों के साथ में रहे. अब तेरे से अगर बसता तो हमको 2 पैसे कमा के दे, नहीं देता तो दे. तो मेरा बच्चा हमको 8 दिन में 4 दिन में 1000-2000 देता ही था. मैं दोस्तों के साथ कुछ कर ले, जैसे टेम्पो खा लिया, कोई भी काम कर लेता था ना, तो 1000-2000 देता भी था, महीने के 2-4-5 हज़ार भी दे दे. बना कौन सी जगह पर बना हुआ? वो मंदिर के सेट, वो दरगाह के सेट बना, कब्रस्तान के पास. आजम बच क्या वारदात बनी है? वो मस्जिद के भाई लोगों ने मेरे भाई को मारे, वो भाटेना के अंदर. मारने वाले कौन थे? वो सद्दाम कालू बुरा रुब्बो, वो सुब्रमानी ने उसकी माँ ने तलवार दी, वो कार, वो 3 मराठी छोकरे, वो PSI मैडम ने उनको तलवार लेके जाते हुए भी देखी, मैडम सलादपुरा की PSI मैडम जब आई तो तलवार लेके भाग रहे थे, वो लोगों ने देखे. मारने की कोई वजह? मारने की कोई वजह? वो लोगों ने कसम खाए थे, वो दरगाह पे कसम खाए थे, वो लोगों ने कसम खाए थे कि हम मारेंगे, उसको लाभ डालेंगे, 2 साल से इसी बोलते हुए आ रहे थे. कोई वजह नहीं, वो उनका कोई, उसके भाई का कोई मर्डर हुआ था, तो वो लोग अंदर है, वो लोग बोलते हैं कि उसका मर्डर हमने करवाया. अब वही कारण हम लोग ये लोगों से बात भी नहीं करते, जो लोगों ने मर्डर करे जेल वाले, उनसे हम बात भी नहीं करते. वो लोग पेरोल पे आते, ये लोग मारते, हम बीच में कुछ बोलते भी नहीं है, तो भी ये लोगों ने मेरे भाई को मारा, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है. वो लोग पेरोल पे आते जब भी, उनको मारते, अभी कोई बात नहीं हो, कुछ समाधान के लिए मेरे भाई को बोल के बुलाए और उसको औजार मारे. वारदात कौन सी जगह पर बनी थी? वो कब्रस्तान के पास में, पहले उसको भाटेना में, मेरे भाई को भाटेना में बुलाए, फिर वो झगड़ा हम लोगों ने छुड़ा के मेरे भाई को भेज दिए, तो मेरा भाई वो भाटेना में चला गया. ये लोग सब घर में से तलवारा लेके, वो सुब्रमण्य ने तलवारा दी, वो भाटेना से उसकी बिल्डिंग भर रहे थे अल्ताफ, तो अल्ताफ को भाटेना में आके लोगों ने तलवारा मारे, वो रेम्बो मारे, सिर में भी मारे, इधर पेट में, पीठ में भी मारे उसको. कितने जन को आज लगा था? 3 जन मेरे भाई, वो उसको चांद को नहीं लगा, चांद ने अपने हाथ से मारा, चांद ने.